आज का हमारा टॉपिक दैट इज ओजेनेसिस। ओजेनेसिस को दोस्तों ओजेनेसिस भी कहा जाता है, और इसका मतलब क्या है साफ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा व्हाट वी मीन बाय दिस फिनोमेनन। ओजेनेसिस या ओजेनेसिस का अर्थ है कि फाइनली जो ओगोनियम है उससे एग बन जाना, ओवम बन जाना, जो कि तैयार हो फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना। तो ओजेनेसिस में जो ओगोनियम है उस ओगोनियम से कोई आगे चलकर प्राइमरी ओसाइट बनेगा, और प्राइमरी ओसाइट बनने के बाद आपके पास कोई सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, सेकेंडरी ओसाइट बनने के बाद कोई ओटिड हम कह सकते हैं वह बन जाएगा, जो कि फाइनली मैच्योर होगा, डिफरेंशिएट होगा ओवम के अंदर या एग के अंदर, विच वुड बी कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और ओगोनियम क्या है तो दे कुड बी रेफर टू एज अ काइंड ऑफ स्टेम सेल। चलो, और ओगोनियम कहां से प्रोड्यूस होगा, प्रीमोडियल जर्म सेल से, अभी हम बात करते हैं। So, ये पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन तक एग को प्रिपेयर करने के प्रोसेस को ओजेनेसिस कहा जाता है। तीन इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं ओजेनेसिस में, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में थी, पहले अपनी खुद की संख्या को बढ़ाओ, प्रोलिफरेशन फेज जिसमें क्या होगा माइटोसिस होगी, तेजी से स्टेम सेल्स अपनी संख्या को बढ़ा रहे होंगे, एक बार जितना नंबर चाहिए उतना नंबर बढ़ गया तो अब कुछ सेल्स ये तय करेंगे कि माइटोसिस करने की बजाय उन्हें मियोसिस करनी चाहिए, यानी प्राइमरी ओसाइट्स स्टेज आने पर अब माइटोसिस की बजाय क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस से फाइनली ओटिड या एग बनेगा, एक बार एग बन गया तो अब उसको स्पर्म के साथ इंटरेक्शन करना होगा, और हम देखेंगे कि कुछ एनिमल्स में, स्पेशली अगर हम मैमल्स की बात करें, मैमल्स की बात करें तो उस केस के अंदर मियोसिस कंप्लीट तब होगी व्हेन इट इज इंटरेक्टिंग विद द स्पर्म। सी अर्चिन के अंदर मियोसिस पहले कंप्लीट हो जाती है, पर मैमेलियन एग की बात करें तो वहां पर, हायर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वहां पर स्पर्म का इंटरेक्शन जरूरी है ताकि मियोसिस को कंप्लीट कराया जा सके। ठीक है, तो ओजेनेसिस का मतलब क्या समझ में आ गया होगा आपको, तीन इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, एक प्रोलिफरेशन, फिर होगी मियोसिस, फिर तीसरी स्टेज होगी मियोसिस भी कंप्लीट होगी, तो तीसरी स्टेज होगी मियोसिस को कंप्लीट किया जाए, और कुछ जगहों पर मियोसिस को कंप्लीट करने के लिए स्पर्म का इंटरेक्शन जरूरी हो सकता है, क्योंकि कई सारे एनिमल्स में एग को रिलीज कर दिया जाता है मियोसिस पूरा होने से पहले। बहुत कम ऐसे एनिमल्स होंगे जहां पर मियोसिस कंप्लीट होने के बाद एग को रिलीज किया जाता है। चलो आगे बात करते हैं, देन सबसे पहले बात करते हैं प्रोलिफरेशन फेज। प्रोलिफरेशन फेज लगभग हमारे मेल गैमेटोसाइट्स के प्रोलिफरेशन की तरह ही है, ठीक है। अब ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर, इन द ह्यूमन एम्ब्रियो जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स हैं वह, जैसे कल हम बात कर रहे थे ना प्रीमोडियल जर्म सेल सबसे पहले कहां पर होते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है कि वह एपिब्लास्ट के अंदर पोस्टीरियर साइड में होते हैं, फिर वह आगे चलकर डेफिनेट एंडोडर्म जो बनते हैं वहां पर चले जाते हैं, उसके बाद वही प्रीमोडियल जर्म सेल हमने पढ़ा था माइग्रेट होकर गट में पहुंच जाते हैं, गट के बाद वही प्रीमोडियल जर्म सेल जेनिटल रिज में पहुंच जाते हैं, उधर जेनिटल रिज बन जाती है फीमेल के अंदर ओवरी के अंदर, तो ओवरी के अंदर अब पहुंच जाते हैं हमारे प्रीमोडियल जर्म सेल, और एक बार ओवरी वाले निवास स्थान पर, उस घर पर पहुंचने के बाद, वहां पर पहुंचने के बाद अब सेकंड से लेकर सेवन मंथ तक जब फीमेल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है उस दौरान ये डिवाइड करते रहते हैं, डिवाइड करते हैं, दे कीप ऑन डिवाइडिंग प्रीमोडियल जर्म सेल्स, दे विल कीप ऑन डिवाइडिंग।
दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग देयर नंबर। और माना जाता है कि इन पांच महीनों में, यानी सेकंड मंथ से लेकर सेवंथ मंथ, इन पांच छह महीनों में लगभग 7 मिलियन उगुनिया बना दिए जाते हैं, यानी लगभग 70 लाख उगुनिया बन जाते हैं। जिसमें से ज्यादातर उगोनिया खत्म हो जाते हैं, एपोप्टोसिस में चले जाते हैं, हम एपोप्टोसिस लिख सकते हैं, रिग्रेस हो सकते हैं, टर्म इस्तेमाल कुछ भी इनमें से टर्म इस्तेमाल की जा सकती है, रिग्रेस दे मूव टू एन एपोप्टोसिस। पर कुछ किस्मत के धनी उगोनिया अपने आप को बचा पाते हैं, और जो बच गए और जिनको रेटिनोइक एसिड का सिग्नल मिला, दे गेट कमिटेड कि अब वह मियोसिस में जाएंगे, वो कमिट हो जाते हैं कि अब वह मियोसिस के अंदर जाएंगे। किसके इन्फ्लुएंस में? रेटिनिक एसिड को। अब यहां से क्वेश्चन है कि ये सेवंथ मंथ पर रेटिनिक एसिड रिलीज कौन करेगा, रेटिन कौन बताएगा, रेटिनिक एसिड वुड बी रिलीज बाय कौन बताएगा? अगर कल थोड़ा बहुत भी कल की बात आपने जो लिखी होगी वो रिवाइज की है तो इट इज रिलीज्ड बाय रेटिनोइक एसिड इज रिलीज्ड बाय, यस वेरी गुड बच्चों, मीजो नेफ्रोज, वेरी गुड। और दूसरा सर्वाइव ऊसाइट अंडर इन्फ्लुएंस रेटिनोइक एसिड किस में कन्वर्ट होते हैं? प्राइमरी ऊसाइट में। कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा? जीन एक्सप्रेस इस कि भाई अब मुझे माइटोसिस नहीं करना है, अब मुझे मियोसिस करना है। यस वेरी गुड, एस टी आर ए 8, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चा। मतलब इसका मतलब कल तो आपने थोड़ा ध्यान से सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा इन दोनों का आपने जवाब दिया। यानी बात बहुत सिंपल सी है, इस स्लाइड को वापस मैं रिपीट कर देता हूं कि प्रीमोडियल जर्म सेल जब फीमेल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, खुद अभी पैदा नहीं हुई तब तक प्रीमोडियल जर्म सेल ओवरी के अंदर जाकर रहना शुरू कर लेते हैं। सेकंड मंथ से लेकर सेवंथ मंथ तक वो लगातार माइटोसिस से डिवाइड करते रहते हैं। इसका ये नतीजा होता है कि उनकी संख्या बढ़कर लगभग 70 लाख या 7 मिलियन के आसपास पहुंच जाती है। इनमें से ज्यादातर सेल्स हैं वह एपोप्टोसिस में चले जाते हैं, रिग्रेस हो जाते हैं, पर कुछ सेल्स को रेटिनोइक एसिड की सिग्नलिंग मिलती है जिसकी वजह से उसमें एसटीआरए 8 जीन एक्सप्रेस हो जाता है, और उसका नतीजा यह होता है कि वह सेल अब कमिट हो गए हैं, वह अब बिहेव करेंगे एस अ प्राइमरी ऊसाइट। किस तरीके से काम करेंगे दोस्तों? दे विल एक्ट एज प्राइमरी ऊसाइट, ठीक है? ओके वैष्णवी, सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट द प्रीमोडियल जर्म सेल्स वंस दे अराइव इन अ ओवरी दे स्टार्ट डिवाइडिंग बाय प्रोसेस ऑफ माइटोसिस फ्रॉम अ सेकेंड मंथ टू सेवंथ मंथ दे आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग बाय माइटोसिस एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस टाइम द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस अप टू 7 मिलियन। ओके एंड लास्ट पॉइंट इज दैट आउट ऑफ दीज 7 मिलियन ऊसाइट, 7 मिलियन ऊसाइट में से कुछ पीछे बच जाते हैं जिनको रेटिनोइक एसिड का सिग्नल मिलता है। रेटिनोइक एसिड की सिग्नलिंग की वजह से उनमें एस टी आर ए 8 जीन एक्सप्रेस होता है, और जिसमें ये जीन एक्सप्रेस हुआ वह कमिट हो जाते हैं उगोनिया की बजाय अब उन्हें प्राइमरी ऊसाइट कहा जाएगा। देन आगे बात करते हैं कि एक बार ये तय हो गया कि उन्हें प्राइमरी ऊसाइट की तरह काम करना है, तो वो मियोसिस फर्स्ट में एंटर कर जाते हैं। मियोसिस फर्स्ट में एंटर करने के बाद थोड़े समय में ही प्रोफेज पर अरेस्ट होंगे। सो प्राइमरी ऊसाइट्स जिनको रेटिनोइक एसिड की सिग्नलिंग मिली, प्राइमरी ऊसाइट में वो कन्वर्ट हो चुके हैं,
वो मियोसिस में एंटर हो जाते हैं, पर फर्स्ट मियोसिस में ही, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पर ही अरेस्ट हो जाते हैं। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में भी कहां पर अरेस्ट होता है, डिप्लोटीन स्टेज पर। कहां पर फर्स्ट, ऐसे आप इधर भी लिख सकते हैं मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में भी प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर भी कहां पर अरेस्ट होता है, डिप्लोटीन स्टेज पर, है ना। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट, उसमें डिप्लोटीन, ठीक है। सो लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन और उसके बाद आती है डिप्लोटीन स्टेज, वहां पर अरेस्ट हो गया। यहां पर इस डिप्लोटीन स्टेज पर 12 साल से लेकर 40 साल तक, यानी जब तक प्यूबर्टी नहीं आती वहां से लेकर 40 साल की उम्र तक अरेस्ट हो सकता है। मियोसिस फर्स्ट में एंट्री तो लड़की के पैदा होने से पहले एंट्री हो गई है, पर अब आगे की मियोसिस तब कंप्लीट होगी जब कम से कम वो 12 साल 13 साल की होगी, और वहां से कुछ 12 13 साल के बाद किसी का नंबर 14 साल के बाद लगेगा, किसी का आगे बढ़ने का 15 साल, ऐसे 40 साल तक ये प्रोसेस चल सकता है। लंबे समय तक यहां पर अरेस्ट करके रखा जा सकता है। इस तरीके की ये डिप्लोटीन स्टेज जो लंबे समय तक अरेस्ट रहती है, इस डिप्लोटीन स्टेज के लिए, इस प्रोलॉन्ग डिप्लोटीन स्टेज के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया थी, दैट इज रेफर्ड टू एज डिक्टेट स्टेट। कई बार इसको डिप्लोटीन को हम डिक्टियोटीन भी कह देते हैं, डिक्टियोटीन। अरेस्टेड डिप्लोटीन के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों, डिक्टियोटीन। कितने 12 से लेकर 40 साल तक। ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण है कि एमपीएफ जो कि मियोसिस को आगे प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एमपीएफ कैसा है, इनएक्टिव है। और सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे एमपीएफ क्यों इनएक्टिव है, तो उसका कारण है कि एमपीएफ बेसिकली विच इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अ सीडीके 1 साइक्लिन बी कॉम्प्लेक्स, वह अभी इनएक्टिव है क्योंकि जो फेवरेबल सिग्नल मिलने चाहिए और इनहिबिटरी फॉस्फेट हटना चाहिए ताकि सेल आगे बढ़ सके, ऐसी स्थिति आई नहीं, अभी आएगी, ठीक है। तो अभी की काम की बात यह है कि प्राइमरी ओसाइट स्टेज पर, प्राइमरी ओसाइट मियोसिस फर्स्ट में एंटर कर गए, प्रोफेज वन के अंदर, प्रोफेज वन के अंदर भी डिप्लोटीन स्टेज पर अरेस्ट रहते हैं। कितने साल, 12 से 40। और इस अरेस्टेड डिप्लोटीन को क्या कहते हैं, डिक्टियोटीन कहते हैं। इस समय बैठे बैठे क्या करें, 12 साल से 40 साल तक इंतजार करना है, तो ये ऊसाइट जो अरेस्टेड है, ऐसा नहीं कि सुस्त सोता रहता है, कुछ कुछ छोटे छोटे काम होते रहते हैं। इन ऊसाइट के सराउंडिंग में जो सेल्स होते हैं जिन्हें फॉलिकल सेल्स कहा जाता है, वह ऊसाइट के अंदर कई सारे एमआरएनए हैं, उनका ट्रांसलेशन कराता है जिससे कई सारे प्रोटीन्स बनाए जा सके, जिनको हम साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट या मैटरनल फैक्टर कह सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आगे चलकर क्लीवेज डिवीजन में। कई सारे स्पर्म बाइंडिंग प्रोटीन बनाए जा सकते हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। कई सारे साइक्लिंस बनाए जा सकते हैं जो सेल साइकिल, सेल डिवीजन को कंट्रोल करेंगे, और उसके अलावा क्या बन सकते हैं, मैटरनल फैक्टर्स। तो जब ये अभी ओसाइट मैच्योर नहीं हुआ है, अरेस्टेड है, उस दौरान एमआरएनए से कुछ प्रोटीन बनाए जा सकते हैं, ये प्रोटीन स्पर्म बाइंडिंग में आगे चलकर मदद करेंगे, आगे चलकर फर्टिलाइजेशन के बाद ये अर्ली क्लीवेज में मदद कर सकते हैं, ये मेटल फैक्टर और भी कई सारे काम कर सकते हैं। सो दे कैन रेगुलेट डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। हां, एमपीएफ मुलेरियन फैक्टर नहीं बेटा, एमपीएफ इज मैच्यूरेशन, या कुछ किताबें से माइटोसिस भी कहती है, मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर।
बेसिकली ये है क्या, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ साइक्लिंग डिपेंडेंट काइनेज वन एंड साइक्लिंग बी। इसका कॉम्प्लेक्स है साइक्लिंग डिपेंडेंट काइनेज वन का और साइक्लिंग बी का। आगे बात करते हैं, वापस इस स्लाइड को रिवाइज कर देता हूं कि प्राइमरी ओसाइट एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही आगे चल तो पड़ते हैं पर मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की डिक्टियोटीन स्टेज पर अरेस्ट हो जाते हैं क्योंकि एमपीएफ इनएक्टिव होता है। इस दौरान जो अरेस्टेड एग है वह कुछ प्रोटीन बना सकते हैं जिन्हें मैटरनल फैक्टर्स कह सकते हैं। ये प्रोटीन्स स्पर्म के अटैच होने में मदद कर सकते हैं, ये प्रोटीन आगे चलकर सेल डिवीजन में मदद कर सकते हैं, ये प्रोटीन कई सारे जीन्स के एक्सप्रेशन को प्रभावित या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नाउ अब जो डिक्टियोटीन जो डिक्टियोटीन अरेस्ट है उससे आगे कब बढ़ा जाएगा, आगे कब बढ़ा जाएगा अब उसकी बात कर रहे हैं, कब बढ़ा जाएगा। तो उसके लिए हमने कहा कि 12 से लेकर 40 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है, इंतजार का फल मीठा होता है 12 से 40 साल तक। अरे फर्क क्या आ गया स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो शुरू ही नहीं होती गाड़ी, शुरू ही 12 13 साल के बाद होगी प्यूबर्टी पर, यहां शुरू हो गई पर गाड़ी रुक गई। हां डिक्टियोटीन क्या है, अरेस्टेड डिप्लोटीन, ये पिछली स्लाइड में बताया ना कि डिप्लोटीन जब अरेस्टेड हो, अरेस्टेड डिप्लोटीन के लिए क्या टर्म इस्तेमाल किया जाता है, अरेस्टेड डिप्लोटीन के लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है डिक्टियोटीन। अब जैसा कि मेल में हम बात कर रहे थे प्यूबर्टी स्टेज आने पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तेजी से तादाद बढ़ती है, ऐसा ही फीमेल के अंदर भी जब वह 12 13 साल की उम्र पर पहुंचती है तो उसके अंदर भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अमाउंट तेजी से बढ़ती है जिसकी वजह से गाड़ी आगे बढ़ चलती है। तो इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से ये पहला जो अरेस्ट है वह आगे की तरफ चल पड़ेगा। जिसकी वजह से ऊसाइट्स को अब पहला मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट कराया जा सकता है। सो ऊसाइट्स जो मियोसिस फर्स्ट में, अब वह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सॉरी प्राइमरी ऊसाइट अब कन्वर्ट हो जाएगा, सिग्नल मिलने के बाद वह कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी ऊसाइट में, सेकेंडरी ऊसाइट में मियोसिस वन कंप्लीट हो जाएगी, मियोसिस वन कंप्लीट। सेकेंडरी ऊसाइट मियोसिस सेकेंड में एंटर हो जाएगा, एंटर टू मियोसिस सेकेंड, बट वापस गाड़ी रुक गई, कंप्लीट नहीं होगा, वापस गाड़ी रुक गई, वापस एक आ गया अरेस्ट। पहला अरेस्ट कुछ यहां पर कहीं पर था, दैट इज इन ड्यूरिंग डिक्टियोटीन स्टेज, और अब एक और अरेस्ट आ गया है। इस बार जो सेकंड अरेस्ट है, इस बार जो अरेस्ट है वो कहां पर है दोस्तों, मेटाफेज सेकंड पर। अरेस्ट कहां पर है, मेटाफेज सेकंड पर। सो इट प्रोसीड्स टू सेकंड मियोटिक मेटाफेज एंड अगेन अरेस्टेड। इस बार अरेस्ट कौन करता है,
तो इस बार अरेस्ट करने का काम करता है साइटोस्टेटिक फैक्टर। साइटोस्टेटिक फैक्टर को कई बार ऐसा CSF भी लिखा जाता है। कौन करता है? साइटोस्टेटिक फैक्टर। माना जाता है कि इस अरेस्टेड ऊ साइट में, जो मेटाफेज सेकंड पर अरेस्टेड ऊ साइट है, इसका साइटोप्लाज्म से कुछ मटेरियल डालो और कैंसर सेल में भी डाल दो तो वो भी डिवाइड करना बंद कर लेता है। अगर साइटोस्टेटिक फैक्टर इफ इट इज इंजेक्टेड टू कैंसर सेल तो भी ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है। इतना खतरनाक पावर है इसमें। ये साइटोस्टेटिक फैक्टर है क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ब्लॉक नहीं लिखा हुआ है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजेस ब्लॉक लिखा हुआ है बेटा। क्या लिखा हुआ है? ब्लॉक को रिलीज करता है। सो इट रिलीजेस ब्लॉक। ओके चलो, सो साइटोस्टेटिक फैक्टर क्या है? तो साइटोस्टेटिक फैक्टर माना जाता है कि बेसिकली द साइटोस्टेटिक फैक्टर, रोल ऑफ साइटोस्टेटिक फैक्टर इज परफॉर्म्ड बाय वन प्रोटीन रेफर टू एज मॉस, जो कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को इनिबिट करता है। एपीसी स्टैंड फॉर एनाफेज, स्टैंड फॉर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, विच प्रमोट, जो प्रमोट क्या करता है कि मेटाफेज से सेल के स्टेज पर आगे बढ़े, तो मेटाफेज से सेल आगे बढ़े एनाफेज स्टेज में, और इस एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को इनिबिट कर रोक कर रखने का काम करता है एक प्रोटीन, दैट इज मॉस। टू साइड्स मैच्योर है, रिलीज भी किए जा सकते हैं, स्पर्म के साथ फ्यूज भी हो सकते हैं, मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई है, उससे पहले मैच्योर है, रिलीज किए जा सकते हैं, स्पर्म के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी, ये एनाफेज को प्रमोट करेगा और मॉस एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को काम करने से रोक रहा है। तो इस स्लाइड से हमें क्या क्या काम की बातें हैं कि फर्स्ट मियोटिक जो अरेस्ट है उसके रिलीज होने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन चाहिए, जिसके लिए 12 से 40 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। एक बार ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मिला तो प्राइमरी ओसाइट जो मियोसिस फर्स्ट में एंटर हो गई थी वो आगे बढ़कर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट भी करेगी, मियोसिस सेकंड में भी एंट्री मार लेगी, पर मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड पर रुक जाएगी, और इस बार मियोसिस सेकंड पर जो रुकी हुई ऊ साइट है उसको कौन रोक रहा है? तो हम कह रहे हैं उसको रोक रहा है कोई साइटोस्टेटिक फैक्टर। ये साइटोस्टेटिक फैक्टर का काम कौन कर रहा है? तो ये काम कर रहा है मॉस नाम का एक प्रोटीन। वो कर क्या रहा है? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को रोक रहा है। सेल अभी भी मियोसिस टू पर रुका हुआ है एम्फीबियन में या ह्यूमन के अंदर, रेप्टाइल्स मैमल्स के अंदर, लेकिन रिलीज किया जा सकता है, मैच्योर है और फर्टिलाइजेशन स्पर्म के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है। बिल्कुल अप टू प्यूबर्टी प्राइमरी ओसाइट डिक्टियोटीन पर अरेस्ट रहेगा श्वेता, और अप टू प्यूबर्टी नहीं, कुछ तो बेचारे 40 साल तक भी अरेस्ट रहेंगे। आगे बात करते हैं, तो रिपीट कर दिया हमने इस पूरी स्लाइड को। अब हमें सेकंड मियोटिक ब्लॉक, ये कब रिलीज होगा? तो ये होगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, मींस आफ्टर एग रिलीज एंड कॉन्टेक्ट विथ स्पर्म। इसका मतलब ज्यादातर ओसाइट जब यहां पर एग के फॉर्म में रिलीज किए गए और वह स्पर्म के साथ इंटरेक्ट ना करे तो दो तीन दिन सर्वाइव करेंगे, मियोसिस सेकंड को कंप्लीट नहीं करेंगे, एपोप्टोसिस में चले जाएंगे। हाँ, मियोसिस सेकंड मतलब मेटाफेज, मियोसिस की मेटाफेज सेकंड। तो मियोसिस सेकंड में भी किस स्टेज की बात कर रहे हैं हम? मेटाफेज सेकंड। मियोसिस सेकंड
को आगे रिज्यूम करना है, यानी मेटाफेज सेकंड से आगे बढ़ना है। वो तभी होगा जब वो फर्टिलाइजेशन को, स्पेशली हम मैमल्स की बात करें तो। क्योंकि हम आगे आज ही फर्टिलाइजेशन पढ़ने वाले हैं, उस दौरान हम देखेंगे कि जब कभी भी स्पर्म एग के साथ इंटरेक्ट करेगा तो एग के अंदर कैल्शियम की मात्रा तेजी से बढ़ेगी। जब स्पर्म है वह एग के साथ इंटरेक्ट करेगा तो एग के अंदर कैल्शियम की मात्रा तेजी से बढ़ेगी, और जो कैल्शियम की मात्रा बढ़ी तो कैल्शियम बाइंड होगा एक प्रोटीन के साथ जिसका नाम है कालमोडुलिन, कालमोडुलिन। और कैल्शियम कार्बोडुलिन के साथ आकर बाइंड होगा तो वह एक्टिवेट करेगा एक काइनेज को जिसका नाम है कैम काइनेज, और कैम काइनेज अगर एक्टिवेट हुआ तो वह मॉस प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देगा, मॉस प्रोटीन के ऊपर जोड़ देगा फॉस्फेट ग्रुप, और मॉस प्रोटीन के ऊपर जुड़ गया अगर फॉस्फेट ग्रुप तो मॉस प्रोटीन हो गया इनएक्टिव, और मॉस प्रोटीन हो गया अगर इनएक्टिव तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स हो गया एक्टिव, और अगर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स हो गया एक्टिव तो उसकी वजह से सेल मेटाफेज सेकंड से आगे बढ़कर पहुंच जाएगी एनाफेज सेकंड, और फिर मियोसिस कंप्लीट भी होगी, मियोसिस टू आगे पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे काम की बात इस स्लाइड में सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि स्पर्म एग का इंटरेक्शन होना जरूरी है। यस वंस अगेन, तो मियोसिस सेकंड पर जो अरेस्टेड ओसाइट है वो रिलीज कर देगी, एग रिलीज कर दिया गया। एग रिलीज होने के बाद दो ही चीजें हो सकती है, या तो स्पर्म के साथ इंटरेक्ट करे या स्पर्म के साथ इंटरेक्ट ना करे। अगर वह स्पर्म के साथ इंटरेक्ट ना करे तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं होगी, उसी अवस्था में एग एपोप्टोसिस में चला जाएगा। लेकिन अगर स्पर्म के साथ इंटरेक्ट किया तो एग के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम आयन है वह रिलीज होकर साइटोसोल में आ जाते हैं, और साइटोसोल में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने पर वह एक्टिवेट करते हैं कार्बोडुलिन के साथ बाइंड होते हैं और एक्टिवेट करते हैं कैम काइनेज को। कैम काइनेज अगर एक बार एक्टिवेट होगा तो वह मॉस प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देगा। जैसे ही मॉस प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, मॉस प्रोटीन अब इनएक्टिव हो जाएगा, यानी साइटोस्टेटिक फैक्टर इनएक्टिव हो गया। मॉस को हम क्या कह रहे थे, CSF भी कह रहे थे, CSF साइटोस्टेटिक फैक्टर भी कह रहे थे। साइटोस्टेटिक फैक्टर के ऊपर क्या लगा, कोई फॉस्फेट ग्रुप लग गया और उसकी वजह से वो क्या हो गया, साइटोस्टेटिक फैक्टर इनएक्टिव। वह इनएक्टिव हो गया तो अब एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स अपना काम कर सकता है, ठीक है। अब वह इनहिबिट नहीं करेगा, वह इनहिबिट नहीं करेगा तो हमारा एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स काम करेगा, और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स काम करेगा तो सेल मेटाफेज से एनाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड से मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगा, और उधर की तरफ स्पर्म इंटरेक्ट कर चुका है, ये इधर तरफ मियोसिस कंप्लीट करेगा, तब तक स्पर्म का न्यूक्लियस भी यहां पर अंदर एंटर आएगा और सीधा फर्टिलाइज्ड एग बनेगा। सो डायरेक्टली इट विल लीड टू अ एंड वुड बी यू विल गेट फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग को आप क्या कहोगे, दैट वुड बी रेफर्ड टू एज जायगोट, ठीक है। चलो तो बात समझ में आ गई, इन चीजों को हम इस डायग्राम से वापस रिवाइज करते हैं, जो अब तक पढ़ा है उसको सारी चीजें वापस पढ़ते हैं इस डायग्राम के थ्रू। दोस्तों ओजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग है दो चीजों में, एक तो टाइमिंग के अंदर, और दूसरा कि जो स्पिंडल अपरेटस है वह किस तरीके से मैनेज्ड है। दो चीजें हैं, एक तो टाइमिंग और दूसरा प्लेसमेंट ऑफ मेटाफेजिक प्लेट। प्लेसमेंट ऑफ मेटाफेजिक प्लेट का मतलब क्या दोस्तों, अगर दोस्तों सपोज ये आपके पास सारे क्रोमोसोम यहां पर सेल के सेंटर में अलाइन हुए और इस तरीके से स्पिंडल अपरेटस बना मान लो,
जहां स्पिंडल अपरेटस बनता है एग्जैक्टली उसके सेंटर से क्लीवेज होगा और एग्जैक्टली उसके सेंटर में क्लीवेज होगा तो आपके पास हो सकता है दो इक्वल साइज के सेल बनेंगे। तो क्लीवेज कहां से होगा, तो क्लीवेज जो स्टार्ट होगा दैट वुड बी एग्जैक्टली फ्रॉम द सेंटर। ऐसा होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, बिल्कुल इक्वल साइज के सेल बनते हैं। पर यहां पर क्या होगा कि ये मान लो एक क्रोमोसोम का पेयर है, ये दूसरे क्रोमोसोम का पेयर है, ये कोई तीसरे क्रोमोसोम का पेयर है, यहां पर भी स्पिंडल अपरेटस बना, पर स्पिंडल अपरेटस नॉट इन एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द सेल, इट इज ऑन वन ऑफ द साइड। यहां पर इस सेल में यहां पर कहीं पर बन गया है और यहां पर कहीं पर बन गया है, तो इस जगह पर साइटोकाइनेसिस या क्लीवेज फर होगी, और इस जगह पर साइटोकाइनेसिस या क्लीवेज फर होगी तो उसका नतीजा यह होगा कि एक सेल छोटी साइज का बनेगा जिसमें न्यूक्लियस तो बराबर आएगा और एक कंपैरेटिवली बड़ी साइज का सेल बनेगा। जो छोटी साइज के सेल बनते हैं उन्हें हम जनरली पोलार बॉडी टर्म इस्तेमाल करते हैं, और इधर की तरफ जो सेल बना उसे या तो सेकेंडरी ओसाइट कहा जाएगा, या तो सेकेंडरी ओसाइट कहा जाएगा, या मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने के बाद बना तो उसे ओवम कहा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जूम करेंगे जरूरत होगी तो। अभी ये तो दिख रहा है ना इधर की तरफ जो मैं बना रहा हूं कि ओजेनेसिस में क्या होता है कि जो मेटाफेजिक प्लेट है या जो स्पिंडल अपरेटस है वह एकदम सेंटर में प्लेस्ड नहीं है, स्पिंडल अपरेटस एकदम सेंटर पर प्लेस्ड नहीं है। यहां तक बात क्लियर? तो दो चीजें फर्क है, स्पर्मेटोजेनेसिस लगातार चलती है, बीच में कोई अरेस्ट नहीं है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है फिर लगातार चलती रहती है बिना अरेस्ट के, जबकि ओजेनेसिस में एम्ब्रियोनिक कंडीशन चलती है, रुक जाती है 14 से 40 साल तक, फिर वापस चलती है, मेटाफेज सेकंड पर रुक जाती है, फिर वापस कंप्लीट होती है। और दूसरा, स्पर्मेटोजेनेसिस में बराबर संख्या के सेल बन रहे थे, यहां पर कुछ सेल छोटे बनेंगे, कुछ सेल बड़े बनेंगे। यहां तक समझ में आया? तो अब हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास था ओगोनियम जो प्रोलिफरेशन करती है और अपनी संख्या को बढ़ा सकती है, और हमने कहा है कि लगभग 7 मिलियन तक संख्या बढ़ सकती है। एक बार 7 मिलियन तक संख्या बढ़ गई तो उनमें से अब कुछ सेल्स के अंदर प्राइमरी उस साइट में कमिट हो जाएंगे। ये वह सेल है जिनमें रेटिनोइक एसिड का सिग्नल मिला, जिसमें STRA8 जीन एक्सप्रेस हुआ। ऐसा होते ही अब उनमें मियोसिस वन है वो स्टार्ट हो जाएगी। एक बार मियोसिस वन स्टार्ट हो गई, मियोसिस फर्स्ट में एंटर भी कर जाते हैं, और कहां पर एंटर करने के बाद अरेस्ट होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट में भी कहां पर, डिप्लुटिन स्टेज पर, और इस अरेस्टेड डिप्लुटिन स्टेज को कहता है डिक्टियोटी। इससे आगे बढ़ने के लिए प्यूबर्टी तक का इंतजार करना पड़ेगा। कब का इंतजार करना पड़ेगा? प्यूबर्टी तक का इंतजार करना पड़ेगा। और जैसा हमने कहा प्यूबर्टी के ऊपर देयर वुड बी अ ओवर प्रोडक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसके रिस्पांस में प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज हो सकता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में बनेगा और उसका नतीजा हुआ कि अब मियोसिस फर्स्ट वापस रिज्यूम होगा। मियोसिस फर्स्ट वापस रिज्यूम होगा और अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन बट अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की वजह से एक सेल बहुत बड़ा बनेगा, सारा साइटोप्लाज्म माल मसाला उसके अंदर आ जाएगा और न्यूक्लियस, दूसरे सेल में न्यूक्लियस और माल मटेरियल उसके जायदाद बहुत कम आई, उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आया बेचारा, वो उसके साथ ना इंसाफी हो गई, इतना चीज भी साइटोसोल में नहीं आई कि जिससे उसका भरण पोषण हो सके, वह एपोप्टोसिस में चला जाएगा। आगे डिवाइड भी हुआ, सेकेंडरी पोलार बॉडी बनी, पर उसके बाद भी वह एपोप्टोसिस में चला जाएगा। अनइक्वल डिविजन क्यों होता है कौन बताएगा? दोनों ने पूछा अनइक्वल डिवीजन क्यों होता है, तो यहां पर ये क्या बात बताई थी, कहानी क्या बताई थी, अनइक्वल क्यों हुआ, ये क्या बताई थी, ये क्या बताया यहां से, इसलिए तो ये कहानी बताई थी इधर तरफ कि एकदम स्पिंडल अपरेटस सेंटर में अलाइन है
या वह एक साइड में अलग है, मेटाफेज पर क्रोमोसोम कहां पर अरेंज हो रहे, सेल के सेंटर पर या सेंटर पर नहीं है, और स्पिंडल अपरेटस कहां पर बनेगा वो डिपेंड करता है पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, कि सेंट्रियोल्स कहां पर है, ठीक है। चलो तो अब वापस यहां पर बात करते हैं, तो क्या हुआ, इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन बट अनइक्वल साइटोप्लाज्म डिवीजन, जिसके किस्मत में बहुत सारी माल मसाला बना आया उसको कहा गया सेकेंडरी ओसाइट, जिसके हिस्से में कुछ भी नहीं आया न्यूक्लियस के अलावा उसे कहा गया पोस्ट पोलर बॉडी। अब सेकेंडरी ओसाइट रुकता नहीं और मियोसिस सेकंड में भी एंटर कर जाता है, पर एंटर कर वो अरेस्ट कहां होता है, मेटाफेज सेकंड पर। मेटाफेज सेकंड से और अगर आगे बढ़ना है तो स्पर्म के साथ इंटरेक्शन होना जरूरी है, ये देखो स्पर्म को इंटरेक्ट करता हुआ बताया, जैसे स्पर्म इंटरेक्ट करता है वह अपनी कार्यवाही चालू रखता है, इंटरेक्ट करेगा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा, अपना न्यूक्लियस अंदर की तरफ डालने की कोशिश करेगा, तब तक एग अपनी मियोसिस सेकंड को कंप्लीट कर देता है। जब तक स्पर्म का न्यूक्लियस वहां पहुंचेगा उसका स्वागत करने के लिए एग का न्यूक्लियस मियोसिस सेकंड कंप्लीट कर चुका होगा। इधर की तरफ जो फर्स्ट पोलर बॉडी वो भी मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगी, दो और एक से दो पोलर बॉडी बन जाएगी, लेकिन वह डीजनरेट हो जाएगी, एपोप्टोसिस में चली जाएगी। आई बात समझ में सारी, इस डायग्राम से वापस मैंने सिर्फ और सिर्फ रिपीटेशन किया है, कुछ नई बात नहीं बताई। आगे बात करते हैं, अब मैंने कहा कि एग ज्यादातर मियोसिस कंप्लीट होने से पहले मैच्योर हो जाते हैं और जल्दबाजी में रिलीज भी हो जाते हैं कि चलो मैं तो निकला बाहर ओवरी से। अब कुछ एनिमल्स में जब एग रिलीज हुआ गया, ओव्यूलेशन हुआ है, तो किस स्टेज पर ओव्यूलेशन होता है, सारी बातें तो याद नहीं रखी जा सकती, थोड़ी बहुत बातें याद रखी जा सकती है कि कुछ एनिमल्स में तो प्राइमरी ओवोसाइट वाले लेवल पर रिलीज किया जा सकता है, यानी अभी मियोसिस एंट्री होना बाकी है, वो सब बाद में होता रहेगा, रिलीज होने के बाद होता रहेगा। इतनी जल्दबाजी में कहां पर देख सकते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल है, तो एस्केरिस एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, दूसरा नीरिस याद रख सकते हैं, और ये याद रखना कुत्ते और फॉक्स लोमड़िया, ऐसे लगे ना कुत्ते और लोमड़ी, तो डॉग्स एंड फॉक्सेस आर मैमल्स, सो हो सकता है कि ओसाइट मेटाफेज सेकेंड अरेस्ट पर रिलीज होगा, लेकिन नहीं, कुत्ते कुत्ते होते हैं, उनमें बहुत अर्ली स्टेज पर प्राइमरी ओसाइट स्टेज पर ही ओव्यूलेशन हो जाता है, और ओव्यूलेशन होने के बाद प्रोसेस आगे आगे चलेगा। तो फर्स्ट मेटाफेज स्टेज पर रिलीज कर दिया जाता है, आगे रिलीज होने के बाद प्रोसेस चलता रहेगा। इसमें आप याद रख सकते हैं, सबसे बढ़िया अगर एग्जांपल रखना चाहें तो स्टारफिश, बाकी से तो कोई क्वेश्चन बनने की चांसेस कम है, बट स्टारफिश एक नाम याद रख सकते हैं, और ये तो हमारा फेवरेट है सेकेंड मेटाफेज वाला, तो फेवरेट क्यों, कि मोस्ट ऑफ मैमल्स एम्फीबियंस फिश एम्फीबियंस मोस्ट ऑफ मैमल्स, जिसकी हम अब तक बात कर रहे थे, जिसकी हम कहानी कर रहे थे, वो उस वहां पर जो एग रिलीज होता है वह सेकेंड मेटाफेज पर रिलीज होता है। डायग्राम में भी देखो कि इस तरीके से अभी पोलार बॉडी नहीं बनी है, तो ये फर्स्ट मेटाफेज है, एक पोलार बॉडी बन चुकी है, दोनों के अंदर स्पिंडल अपरेटस बन चुका है, लेकिन स्पिंडल अपरेटस एक साइड में बना है, एक साइड में बना है, तो क्लीवेज यहां से होगा, इसमें भी क्लीवेज यहां से होगा, तो इससे दो छोटे छोटे सेल बनेंगे, इससे वापस एक छोटा सेल बनेगा और एक बड़ा सेल बनेगा, यानी तीन ऐसी पोलार बॉडी बन जाएगी और एक बड़ा सा सेल बनेगा। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हमारे पास जहां पर एग मियोसिस कंप्लीट होने के बाद ही रिलीज होता है, बाद में भरोसा नहीं किया था, पहले पूरा कंप्लीट मियोसिस करो फिर उसको रिलीज करो, जैसे कि सी अर्चिन के अंदर, नाइडेरियंस के अंदर,
सी अर्चिन एक याद रखा जा सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एग किस स्टेज पर ओवरी से रिलीज कराया जा सकता है? प्राइमरी ओसाइट वाली स्टेज पर, जैसे डॉग्स एंड फॉक्सेस, एस्केरिस। पोस्ट मेटाफेजिक स्टेट पर, इन केस ऑफ लेट्स से स्टारफिश। सेकंड मियोटिक मेटाफेज पर अरेस्ट है, तब रिलीज किया जा सकता है, जैसे कि एम्फीबियंस के अंदर, मैमल्स के अंदर, ओके, फिशेस के अंदर, या कुछ जगहों पर मियोसिस सेकेंडरी पूरी कंप्लीट होने दिया जाए और फिर एग को बाहर की तरफ रिलीज किया जाए। ऐसा कहां पर? इट इज इन अ सी अर्चिन। किसी भी स्टेज पर रिलीज हो, प्रोसेस वही होगा कि प्राइमरी प्राइमरी ओसाइट रिलीज होने के बाद मियोसिस वन में एंटर करेगा, मियोसिस वन में एंटर करने के बाद वह मियोसिस सेकंड में एंटर करेगा, मियोसिस सेकंड में एंटर करने के बाद फाइनली वह ओम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब दोस्तों, हमने कहा कि मैमल्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर एग प्रोफेज फर्स्ट पर 14 से 40 साल या 12 से 40 साल तक अरेस्ट रह सकता है। एग है वह कितने साल अरेस्ट रह सकता है? एग अरेस्टेड एट एग रिमेन अरेस्टेड एट प्रोफेज फर्स्ट निप्लोटीन फॉर 12 टू 40 इयर्स। ये हमने अब तक पढ़ा है। कुछ सीमित संख्या के प्राइमरी ओसाइट्स को हर महीने मौका मिलता है आगे एडवांस होने का, जो कि प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे, एग में कन्वर्ट होंगे। किसी का 12 साल के बाद मौका मिलेगा, किसी को 12 साल एक महीने के बाद, किसी को 12 साल दो महीने के बाद, किसी को 14 साल के बाद मौका मिलेगा, किसी को 16 साल के बाद मौका मिलेगा, कुछ ओसाइट को 18 साल के बाद, कुछ का नंबर 35 साल के बाद मौका मिल रहा है। यानी हर मंथ में फ्यू अरेस्टेड ओसाइट्स, प्राइमरी ओसाइट्स, दे फर्दर मूव टू अ मियोसिस। उनमें से कुछ आगे बढ़ रहे हैं, जो डोमिनेंट फॉलिकल है वह आगे अपनी मियोसिस मेटाफेज सेकंड तक भी जाएगा और फिर एग रिलीज होगा। आप ऐसा एनिमल फिजियो पढ़े, पर यहां पर बात यह है कि इसका मतलब कोई ओसाइट ऐसा भी होगा जिनका लॉटरी या जिनकी किस्मत 35 साल पर लगेगी, जिनकी किस्मत 34 साल पर आएगी, जिनकी किस्मत 38 साल पर आएगी, जिनकी किस्मत 42 साल, 26 साल, 22 साल लेट आएगी। अब यहां पर देखो दोस्तों, काम की बात यह है कि जितना कम समय तक अरेस्टेड रहेगी और उसको वापस मियोसिस में अलाउ करोगे, गलती होने की संभावनाएं कम होगी। एग अरेस्टेड फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन इफ रिज्यूम्स मियोसिस वन अगेन आफ्टर प्यूबर्टी will has lesser chances of error in chromosomal separation। यानी जो 16 साल के बाद मियोसिस में बढ़ रहा है, 18 साल के बाद ही मियोसिस में नंबर लग जाता है, या 20 साल के बाद भी मियोसिस में जिनका नंबर लग जाता है, उनमें गलती होने की संभावनाएं ज्यादा है, संभावनाएं कम है,
और ऐसे ऊसाइट जो 35 साल तक अरेस्टेड थे और फिर अचानक मियोसिस करते हैं, तो भूल ही गए होंगे मियोसिस करते कैसे, 35 साल तक जिसको आपने रोक रखा है और उसमें से कुछ ऊसाइट आगे एडवांस हो रहे हैं और उन ऊसाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उन ऊसाइट में गलती होने की संभावना ज्यादा है और ऊसाइट में गड़बड़ होगी तो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होकर जो बच्चा बनेगा उसमें भी गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा है, बच्चे में क्रोमोसोमल एबरेशन की संभावना ज्यादा है, एन्यूप्लॉइडी की संभावना ज्यादा है, इधर इधर ट्राइसोमी होने की चांसेस की या हम कह रहे हैं एरर होने की चांसेस, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, नाम तो सुने होंगे ना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वगैरह वगैरह, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम एटसेट्रा, बच्चे को इन चीजों की होने की संभावना कब ज्यादा है, तो मां जल्दी उम्र पर बने तब या मां लेटर स्टेज पर बने, यानी किसी लड़की ने 35 साल की उम्र में शादी की तो उससे पहले ऊसाइट को तो कभी मौका ही नहीं मिला फर्टिलाइजेशन होने का, 35 साल की शादी की और उसके बाद उसने 3-4 साल और फैमिली प्लानिंग की और 38-39 साल में उन्होंने तय किया कि अब हम बच्चा पैदा करेंगे, अब उन्होंने तय किया यानी 38 साल के बाद तय कर रहे हैं, इसका मतलब 38 साल तक जो अरेस्टेड ऊसाइट है वह अब एडवांस होगा, वह एग बनाएगा और वह स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होगा, तो 38 साल तक जिसने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी और अचानक वो पढ़ना शुरू करेगा तो उसमें गलती होने की संभावना ज्यादा है ना, यस। तो यही ग्राफ बता रहा है कि जैसे जैसे मैटरनल एज 30 साल तक आप देखेंगे कि गलती होने की संभावना बहुत कम है, 5% के आसपास, लेकिन 38 साल की उम्र में पहुंचने पर अब लगभग 12% के आसपास संभावनाएं बढ़ जाती है कि कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो और 42 साल की उम्र में तो देखो एकदम तेजी से 35% तक गड़बड़ होने की संभावनाएं हो जाती। तो जितनी शादी लेट करेंगे और शादी जल्दी भी कर दी तो बच्चे लेट पैदा करने की कोशिश करेंगे उतनी ही गलती होने की संभावनाएं, बच्चों में क्रोमोसोमल एबरेशन होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, ऐसा देखा गया है। चलो आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम फीमेल ओजेनेसिस और मेल स्पर्मेटोजेनेसिस में मेजर डिफरेंसेस है उनको हाईलाइट कर लेते हैं। लो संदीप ने तो कर ही ली, तो अब कुछ नहीं किया जा सकता बेटा, अब आप डिटरमाइंड हो चुके हो, मैं आपके साथ हूं, साधना है मेरी आपके साथ, भगवान आपको शक्तियां दे कि आपकी लाइफ अच्छे ढंग से चले। मियोसिस फीमेल ओजेनेसिस, मियोसिस इनिशिएट फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ सेल में होती है, हमने कहा ना फीमेल के अंदर नंबर ऑफ सेल्स फिक्स होते हैं लगभग 7 मिलियन के आसपास, उसके अंदर उसमें से कुछ तो मर जाते हैं पीछे जो बचे उनमें मियोसिस होती है। और जबकि मेल स्पर्मेटोजेनेसिस में सेल लगातार बढ़ते थे, जिन बढ़ते ही रहते हैं प्यूबर्टी स्टेज के बाद लगभग 70 साल तक सेल बढ़ते ही रहते हैं, कोई सेल निश्चित संख्या में नहीं होते, डेफिनेट नंबर में नहीं होते जिनको मियोसिस में जाना है, क्योंकि तो फीमेल के अंदर सेल एक फिक्स नंबर में होते हैं जो मियोसिस में एंटर करने वाले। दूसरा, स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 गैमेट्स बनते हैं, चारों ही फंक्शनल स्पर्म बनते हैं सर ना, 4 स्पर्म बनाए, और जबकि यहां पर एक ही गैमेट बनेगा फंक्शनल, बाकी की 3 तो पोलार बॉडी बनेगी जो फर्टिलाइजेशन के बाद डी जनरेट हो जाएगी, एक ही फंक्शनल गैमेट बनता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मियोसिस को बहुत लंबा समय लग सकता है, 12-40 साल तो प्रोफेज़ से आगे बढ़ने में भी लग सकता है, बहुत लंबा समय लग सकता है मियोसिस को, जबकि मियोसिस यहां पर कुछ दिनों में और कुछ वीक में, जैसे हमने आपको पता हो तो जब हम रेड की बात कर रहे थे तो लगभग 16 दिन के आसपास मियोसिस कंप्लीट हो जाती थी, और ह्यूमन में बात कर रहे थे तो वहां पर 25-30 दिन के अंदर मियोसिस कंप्लीट हो जाती, कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में या तो कुछ महीनों से साल लग जाते हैं। मियोसिस शुरू होती है, पहला फर्स्ट मियोटिक प्रोफेज पर अरेस्ट होता है और फिर वापस री इनिशिएट होता है कुछ सेल्स में, क्योंकि हर सेल को मौका नहीं मिलता आगे बढ़ने का, तो हर महीने कुछ सेल्स उस अरेस्ट से आगे बढ़ते हैं।
जबकि यहां पर मियोसिस में किसी तरीके का अरेस्ट नहीं है, स्पर्मेटोजेनेसिस में लगातार मियोसिस चलती रहती है। यहां पर फर्स्ट मियोटिक प्रोफेज पर ही डिफरेंशिएशन हो जाता है, आराम से पहचाना जा सकता है कि ये देखो ये अब बड़ा वाला जो सेल है वह एग का काम करने वाला, और जो छोटा सा सेल है वह अब पोलर बॉडी की तरह काम करेगा। जबकि यहां पर डिफरेंशिएशन गैमेट का जब हैप्लोइड स्टेज आती है तब होता है, वो भी मियोसिस खत्म होने के बाद जब स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होगा तब। फीमेल ओजेनेसिस में क्योंकि 44 प्लस एक्सएक्स कंडीशन होती है, इसलिए ऑटोसोम्स में भी रिकॉम्बिनेशन हो सकता है और सेक्स क्रोमोसोम में भी रिकॉम्बिनेशन हो सकता है क्योंकि दो एक्स है। स्पर्मेटोजेनेसिस में ह्यूमन है 44 प्लस एक्स वाई है, इसलिए ऑटोसोम्स में तो रिकॉम्बिनेशन अलाउड है पर एक्स और वाई क्रोमोसोम में रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। तो सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई क्रोमोसोम जनरली रिकॉम्बाइन नहीं करेंगे, रिकॉम्बिनेशन किसके अंदर होगा तो ऑटोसोम्स के अंदर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फीमेल ओजेनेसिस या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मेल स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्टेटमेंट होंगे दोस्तों आने वाले एग्जाम में, बस थोड़ा सा वर्ड प्ले करेंगे, किसी वर्ड को वह चेंज कर देंगे। ध्यान रखना, बाद में आराम से इस टेबल को जरूर उतारिएगा। लास्ट पॉइंट वापस कहूं कि फीमेल के पास क्योंकि जो ओसाइट होगी प्राइमरी ओसाइट होगी उसमें 44 प्लस एक्सएक्स क्रोमोसोम है, तो दोनों एक्स क्रोमोसोम है उनमें भी रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, वह भी रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ऑटोसोम तो करते ही है। अब मेल के अंदर क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम की बजाय दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम, और दूसरा वाई क्रोमोसोम है तो एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग नहीं कर पाता, सिर्फ ऑटोसोम्स हैं वह पेयरिंग करते हैं, रिकॉम्बिनेशन उसी में होता है। वापस एक बार रिपीट कर लेता हूं कि फीमेल ओजेनेसिस के अंदर सीमित संख्या में जो सेल होते हैं उनके अंदर मियोसिस होती है, जबकि मेल स्पर्मेटोजेनेसिस में असीमित संख्या क्योंकि बार 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 स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड करते रहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि फीमेल मियोसिस में एक ही फंक्शनल गैमेट बनता है, मेल स्पर्मेटोजेनेसिस में चारों फंक्शनल गैमेट बनते हैं। मियोसिस को कंप्लीट होने में फीमेल में कई महीनों से कई साल लग सकते हैं, जबकि वहां पर कुछ दिन से कुछ हफ्ते लगते हैं। फीमेल्स के अंदर मियोसिस अरेस्ट प्रोफेज फर्स्ट पर भी होती है और अरेस्ट मेटाफेज सेकंड पर भी होती है, जबकि ऐसी कोई अरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलती स्पर्मेटोजेनेसिस में। बहुत अर्ली स्टेज पर डिफरेंशिएशन देखने को मिल सकता है ओजेनेसिस में, प्राइमरी ओसाइट को आराम से पहचाना जा सकता है सेकेंडरी ओसाइट से और सेकेंडरी ओसाइट को आराम से पहचाना जा सकता है ओम से, जबकि यहां पर मेल्स के अंदर आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इवन स्पर्मेटिड सब एक जैसे दिखते हैं, अभी उनको आप डिफरेंशिएट नहीं करते कर सकते, स्पर्म बनने के बाद उनको पहचाना जा सकते, हां ये कुछ अलग है। फीमेल ओजेनेसिस में क्योंकि ऑटोसोम्स के साथ साथ दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए दोनों एक्स क्रोमोसोम में भी रिकॉम्बिनेशन सेक्स क्रोमोसोम भी रिकॉम्बाइन कर सकते हैं। मेल्स के पास ऑटोसोम के अलावा एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, इसलिए ऑटोसोम्स में तो रिकॉम्बिनेशन होगा लेकिन एक्स और वाई क्रोमोसोम आपस में रिकॉम्बाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े, यस और नो। तो फाइनली यहां पर ये एग का एक डायग्राम बता रखा है, हालांकि इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैमेलियन एग है, मैमेलियन एग के अंदर दोस्तों ये हैप्लोइड न्यूक्लियस है, यहां पर ये दो सेंट्रियोल बता रखे हैं और ये वाली सबसे अंदर वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अंदर खूब सारे साइटोप्लाज्म मटीरियल है, साइटोप्लाज्म में क्या है तो साइटोप्लाज्म के अंदर योक भी है, थोड़ा सा कम है, बहुत कम अमाउंट में, माइक्रोलिसाइटल जैसी कंडीशन है या अर्लिसाइटल जैसी कंडीशन है। खूब सारे साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स हैं और साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स का मतलब, साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट का मतलब क्या है आप तो समझ में आ गया होगा, डिटरमिनेंट्स है मतलब कई सारे एमआरएनए हैं और कई सारे इसके अंदर प्रोटीन है।
एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो ये लेयर सी बनी हुई है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये जो लेयर सी बनी हुई है, इस लेयर को जो कि बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई लेयर है, इस लेयर को कहा जाता है जोना पेलुसिडा, लिखा होगा. सो दिस इज अ लेयर ऑफ, दिस इज अ जोना पेलुसिडा जो मेनली किसकी बनी हुई है, खूब सारे ग्लाइकोप्रोटीन की. आप देखेंगे इसमें कई सारे ग्लाइकोप्रोटीन होंगे जिनका नाम ZP1 होगा, ZP2 होगा, ZP3 होगा, ZP4 होगा. जोना पेलुसिडा प्रोटीन 1, जोना पेलुसिडा प्रोटीन 2, जोना पेलुसिडा प्रोटीन 3 एटसेट्रा. जूम करें, चलो जूम करके फिर मैं लिख नहीं पाऊंगा, कर लेता हूं जूम, है ना. तो यहां पर क्या है, यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ये जो लेयर है, लेयर ऑफ जेल कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, इसे कहते हैं जोना पेलुसिडा. तो वापस बता देता हूं, ये न्यूक्लियस है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल है, ये खूब सारे डॉट 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 बता रखे हैं, ये सारे सारे डॉट डॉट को मैंने क्या कहा, ये साइटोप्लाज्म फैक्टर्स हैं जिसमें योग भी है. उसके अलावा योग मेनली किस फॉर्म में, फैट्स के फॉर्म में. उसके अलावा साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स भी है, एमआरएनए प्रोटीन. फिर मैंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है जोना पेलुसिडा, अंदर की तरफ ये छोटी छोटी वेसिकल्स बना रखी है, इन वेसिकल को कहा जाता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स. जो अब वापस मैं इसको बता देता हूं, ये जो वेसिकल जैसी स्ट्रक्चर्स बता रखी है यहां पर, ऐसी वेसिकल जैसी स्ट्रक्चर यहां पर जो बता रही है, ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेता हूं ताकि आपको आराम से दिखे. इन वेसिकल जैसी स्ट्रक्चर्स को, इनको कहा गया है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, जिसके अंदर कई सारे प्रोटीएज, सीरीन प्रोटीएज होते हैं. अभी हम पढ़ेंगे इसका क्या रोल है. यहां पर सराउंडिंग में फर्स्ट पोलर बॉडी है और जोना पेलुसिडा के बाहर देयर इज अ लूज असेंबली ऑफ सेल, एंड दिस लूज असेंबली ऑफ सेल, जो ये सेल है ना, इसके आसपास लूजली ऐसे अरेंज्ड है दीज सेल्स. इन लूजली असेंबल्ड सेल को कहा जाता है फॉलिकल सेल्स, और फॉलिकल सेल से जो एक बाहर की तरफ लेयर सी बन जाती है जिसे कहता है कोरोना. खूब सारे फॉलिकल सेल्स बनाते हैं कोरोना रेडिएटा. इधर की तरफ ये फर्स्ट पोलर बॉडी दिखाई दे रही है, और अगर यहां पर से ढंग से बनाया तो ये इस तरीके का एग जब रिलीज होता है ऐसी स्टेज कुछ होनी चाहिए, ठीक है. तो ये किसका है, एग मैमल्स का जब रिलीज हुआ. तो अंदर की तरफ न्यूक्लियस है, दो सेंट्रियोल है, खूब सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, योग भी इसमें भरा हुआ है, एमआरएनए प्रोटीन खूब सारे हैं, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर है, उस ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर को जोना पेलुसिडा कहा जाता है. उसके और बाहर की तरफ खूब सारे सेल्स का झुंड है, खूब सारे सेल्स उसके साथ चिपके हुए हैं, लूजली ऑर्गेनाइज्ड है. ये लूजली एसोसिएटेड सेल्स को कहा जाता है फॉलिकल सेल्स, और इन फॉलिकल सेल्स से जो बनने वाला एक लेयर कोटिंग कवर जैसा आवरण जैसी जो स्ट्रक्चर बनी है उसे कहा जाता है कोरोना रेडिएटा.